वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी पर आज सफाई कर्मचारी पहुंचे थे। उनकी ओर से अपनी मांगों को साझा करते हुए रामधुन बुलाकर वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी के बाहर विरोध प्रदर्शित किया गया। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत वडोदरा शहर के विकास के कई कार्य तेजी में हैं, जिसे लेकर कई गांवों को वडोदरा महानगर पालिका में शामिल भी किया गया है। आपको बता दें कि 3 साल पहले वडोदरा के आसपास के 7 गांवों को पालिका में शामिल किया गया था। तब ग्राम पंचायत में काम करने वाले इन पालिका के कर्मचारियों की ओर से उन्हें रोजिंदारी के ऑर्डर मुहैया करवाने की बात बताई गई थी। हालांकि इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन सफाई कर्मियों को अभी तक रोजिंदारी के ऑर्डर मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जिसके चलते इस रोजिंदारी ऑर्डर की मांग के साथ ये सभी कर्मचारी आज पालिका की बड़ी कचहरी पर पहुंचे और वहां पर रामधुन बुलाते हुए इन सफाई कर्मियों की ओर से विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी मांगों को साझा किया गया। हाँ भाई, शू समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या एक है, हमने रोजिंदारी ऑर्डर आपी दो, अमारो पूरतो न्याय आपी दो अमने, कारण के अगाउना गामों ने जे रीते समावेश करेलो रोजिंदारी रीते अमने पर रोजिंदारी करशो। શું થયું છે સમસ્યા? એટલે અમને શાના માટે કાઢેલા છે? સમસ્યા અમારી છે કે અમારે સફાઈ કામદારોને પૂરતો ન્યાય આપો, રોજિંદારી ઓર્ડર અમારે જોઈએ છે, માનવદિન ઓર્ડર જે લીધો છે, જે લોકો ખુશ છે લોકોને અમારો કોઈ વિરોધ નથી, અમારો એક જ છે કે અમને પૂરતા 8 ગામ પંચાયતમાં હતા, તારે અમે 8 કલાક કામ કરેલું છે, ત્યાર પછી કોર્પોરેશન આવે પછી 3 વર્ષ ઉપરાંત દિવસો અમે 8 કલાક જ કામ કરેલું છે, અમે રોજિંદારીના પૂરા હકદાર છે, અમને રોજિંદારી હક મળવો જ જોઈએ। કયા કયા ગામોમાંથી આવે? સેવાસી છે, કરોડિયા, થોડા વાઠા, થોડા ભાઈલી, કરોડિયા, ઉંડેરા, અમે પૂરતો સેવાસી, અમને પૂરતો ન્યાય આપો, અમને રોજિંદારી ઓર્ડર જોઈએ છે, રોજિંદારી ઓર્ડર લઈને જ અમે રહીશું।